हाय फ्रेंड्स, आई एम सुमित कड़ेल और आज बात करूंगा मैं मरजामा के बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल के बारे में। फ्रेंड्स, मरजामा को डायरेक्ट कर रहे हैं मिलाप जवेरी, जिनकी लास्ट फिल्म थी सत्यमेव जयते, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। फिल्म स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख, तारा सुतरिया एंड रकुल प्रीत सिंह। फ्रेंड्स, मरजामा रिलीज हो रही है 15 नवंबर को। इसका जो ट्रेलर था वो मास ऑडियंस को, जो कि इनकी टारगेट ऑडियंस है, उनको बहुत ज्यादा पसंद आया था। इसके जो गाने हैं, खास करके तुम ही आना, वो बहुत ज्यादा हिट हो चुका है और इसके बाकी गाने भी ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके गानों की वजह से और इसके मासी ट्रेलर की वजह से इसका जो बज है अमंग द टारगेटेड ऑडियंस इज क्वाइट गुड, इज क्वाइट हाई। तो मास बेल्ट्स में ये फिल्म काफी अच्छा ओपनिंग लेगी और मुझे लगता है कि ये फ्राइडे को 5 से 7 करोड़ का ओपनिंग डे में बिजनेस कर सकती है। 5 to 7 crores वुड बी कंसिडर्ड फैंटेस्टिक, कंसिडरिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा की पिछली 3 से 4 फिल्में 2 से 2.5 करोड़ का ही ओपनिंग बॉक्स ऑफिस पे ले पाई थी। अगर इसका वर्ड ऑफ माउथ मास बेल्ट्स में, मास ऑडियंस में अच्छा रहा और थोड़ा मल्टीप्लेक्स से भी सपोर्ट मिल गया, तो इस फिल्म का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन 25 से 30 करोड़ हो सकता है मिनिमम, और इसका लाइफ टाइम कलेक्शन 50 से 60 करोड़ का हो सकता है, जो कि इसको हिट का टैग बॉक्स ऑफिस पे दिला देगा, प्रोवाइडिंग इस फिल्म का बजट काफी कम है और इसको जिस अमाउंट पे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचा गया है वो भी एक काफी सेफ अमाउंट है। तो 50 से 60 करोड़ में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट हो जाएगी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की काफी सालों बाद एक क्लीन हिट फिल्म हमें देखने मिलेगी और ऑडियंस को देखने मिलेगी। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि फिल्म 50 से 60 करोड़ का बिजनेस वाकई में कर सकती है अगर मास बेल्ट इसको सपोर्ट कर दे, और इससे बेसी भी बिजनेस कर सकती है क्योंकि मास ऑडियंस हमारे देश में बहुत ज्यादा बड़ी है और अगर मास ऑडियंस का साथ इसको अच्छे से मिल गया हर एक सेंटर में, ए सेंटर, बी सेंटर, सी सेंटर, तो इस फिल्म का कलेक्शन ऑडियंस को शॉक भी कर सकता है। मैं आशा करता हूं कि फिल्म अच्छी हो। अगर फिल्म अच्छी होगी तो ये फिल्म जरूर चलेगी, क्योंकि हर एक चीज अभी तक इस फिल्म का ऑडियंस को पसंद आया है, चाहे वो ट्रेलर हो, चाहे गाने हो, या चाहे इसके स्मॉल प्रोमोज हो, चाहे रितेश देशमुख का विलन का लुक हो, चाहे सिद्धार्थ मल्होत्रा का एंग्री यंग मैन का लुक हो। मैं पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट साबित हो। ये फिल्म रिलीज हो रही है फ्राइडे को 15 नवंबर अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 हजार स्क्रीन्स पे, और मेरा ये इस फिल्म का रिव्यू फ्राइडे को ही आएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साइनिंग ऑफ सुमित करेल, थैंक यू।